डॉक्टर विक्की, आज आप किस रेमेडी के बारे में बता रही हैं? आज हम मैं एक हेयर सॉल्यूशन कह लें या हेयर स्प्रे बनाना बता रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो हर कोई ऑयल बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए एक बहुत बेहतरीन सा जो है ना, आपको मैं एक चीज़ सिखा रही हूँ जो आपके बालों में आप लगाएंगे तो आपके बाल गिरना रुकेंगे। बालों में अगर सीबम बहुत ज़्यादा आता है, ऑयली स्कैल्प हो जाती है, चिपचिपापन, बदबू आती है, या आपको ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस में आपकी खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और आपके बाल ऐसे गुच्छों में हाथों में आ रहे होते हैं, तो ये आप जो है ना बना के रखें, इसका इस्तेमाल करें। आजमाया हुआ नुस्खा है, इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी बताओ। जी जी प्लीज़। आपने क्या करना है, नारियल का पानी लेना है, बनेगा ये नारियल के पानी में, उसमें फिर आपने नारियल का बुरादा मिलता है ना, ये एक चम्मच आप डाल दें। आपने इसमें डालना है सौंफ, सौंफ आपने एक टीस्पून डालना है, ठीक है। यहाँ बादाम पीसे हुए नहीं, बादाम पीस कर ये भी आप एक चम्मच डालेंगे। उसके बाद आप इसमें डालेंगे कलौंजी एक चम्मच और इसमें मेथी दाना एक चम्मच। ये आपने नारियल के पानी में सारी चीज़ें डाल दी, डालने के बाद आप इसको रख दें 2 से 3 दिन तक, कहाँ पर, किसी ठंडी जगह पर, फ्रिज में, फ्रिज में, ठीक है, ढककर फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2-3 दिन के बाद इसको ये सारी चीज़ों के साथ ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके फिर आप इसको छान लेंगे। आपका बहुत ही ज़बरदस्त हेयर स्प्रे तैयार हो गया। नहाने के बाद सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाइएगा और फिर भी इसको फ्रिज में ही रखना है, तो आप देखेंगे आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं इसको, लगाने के बाद नहाने का, या अगर नहाए तो बहुत अच्छा है, नहीं नहाए तो कोई इशू नहीं, अगर सुबह लगाया तो रात सोने से पहले भी दोबारा ज़रूर लगाएं। ये हेयर स्प्रे जो है ये आपके बहुत सारे मसाइल को हल करेगा, बालों के एक्सटर्नली खुश्की को कंट्रोल करेगा, सीबम अगर एक्स्ट्रा आता है उसको कंट्रोल करेगा, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले तो उनको सफ़ेदी को रोकेगा, आपके बालों को की थिनिंग हो रही है अगर तो थिनिंग को रोकेगा, और आपके बाल जो है ना गिर रहे हैं या गंजपन आ रहा है तो उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ आपने किसी भी अच्छी ब्रांड के बायोटीन और जो है ना और हेयर नेल स्किन के लिए जो अद्वियात मिलती है उनका इस्तेमाल लाजमी कीजिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना आपने खाने में ना मीठी चीज़ें बंद कर देनी है, ठीक है, मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। और लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप कह रही हैं कि आपके जल्द खुश्क नहीं है तो आपने क्या करना है, सुमलो बूटी लेना है एक चम्मच, उसको पीस के एक चम्मच सुमलो बूटी आपने लेना है, एक चम्मच आपने लेना है मुल्तानी मिट्टी और एक चम्मच आपने लेना है गंधक, आंवला, सार, ये तीनों चीज़ें एक एक चम्मच लेके पीसा हुआ। इसको जो है ना आपने जो खौलता गर्म पानी हो वो आपने लेना है 1 कप, इसको डाल दीजिए, ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा, छान लीजिएगा, रुई की मदद से पूरे चेहरे पे आप लगाएं, ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं, इचिंग भी सही हो जाएगी, जो दाने निकल रहे हैं वो भी सही हो जाएगी, अगर ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इंशाल्लाह उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। आधे घंटे बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। धोने के बाद आपने क्या करना है, अब मुझे पता है कि आपकी स्किन ऑयली है लेकिन आपने कोकोनट ऑयल लगाना है, धोने के बाद कोकोनट ऑयल लगाना है, कोकोनट ऑयल भर भर के नहीं लगाना है, जैसे एक कतरा यहाँ लगा लिया, एक कतरा यहाँ, एक कतरा यहाँ, एक कतरा यहाँ, उसको फिर आप जज्ब कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा।